कोतवाली थाने की पुलिस ने डायल 112 पर 4 करोड़ के सोने के सामान की चोरी की गलत सूचना देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान श्रवण तिवारी पुत्र रामज्ञा तिवारी निवासी दावर पास हरैया जनपद बस्ती के रूप में हुई है, जिसके पास से 1.50 लाख रुपए, स्वर्णकार तपस के 2 बंडल, स्वर्णकार राकेश ज्वेलर्स के 1 बंडल, स्वर्णकार एनएसके के 3 बंडल, एमएस ज्वेलर्स के 1 बंडल, स्वर्णकार अभिषेक ज्वेलर्स का 1 बंडल, अनुराधा ज्वेलर्स के 1 बंडल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 27 जनवरी को श्रवण तिवारी ने डायल 112 नंबर को सूचना दिया कि मैं ब्राइट लॉजिस्टिक सर्विस कॉरियर कंपनी में कार्य करता हूँ। गोरखपुर व प्रदेश के भिन्न भिन्न स्वर्ण व्यवसायियों से सोने का सामान रिसीव करते हैं एवं भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त सोने के सामानों को बेचते हैं। बीती रात्रि 10:09 पर 112 नंबर पर सूचना दिया गया कि 7 पैकेट सोने का सामान अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर चुरा लिया गया है, जिसकी सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा व बेनीगंज चौकी प्रभारी अजीत कुमार चतुर्वेदी छोटेलाल द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो श्रवण कुमार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि कोरियर के मालिक राजन कुमार ने मुझे बताया कि सभी सोने के सामानों के पैकेट मोहित को देकर लखनऊ निकाल दो तथा पुलिस को इन पैकेटों की चोरी के संबंध में सूचना दे दो, जिससे इसका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया। सीसीटीवी कैमरे के जांच से सत्यता सामने आ गई व चोरी की घटना गलत पाई गई, जिस पर कोतवाली थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अजीत कुमार चतुर्वेदी छोटेलाल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में प्रतिदिन अपराध के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कल एक ऐसा रोचक मसला सामने आया जिसमें कल रात को एक वनमंटू को सूचना दी कि वो एक ब्राइट लॉजिस्टिक्स सर्विस कोरियर कंपनी, उसमें काम करते हैं। उस कोरियर कंपनी का काम यहाँ के प्रमुख ज्वेलर्स हैं उनसे सामान लेके भारत के विभिन्न भागों में वो सोना पहुंचाने का काम है। उन्होंने बोला कि एक सामान जो करीबन 4 करोड़ का आसपास का सोने का सामान था, वो हमने कमरे में रखा और वहाँ से कोई व्यक्ति ताला तोड़ के चोरी करके ले गया है। इस मौके पर तुरंत मेरे द्वारा SHO कोतवाली MCO कोतवाली को निर्देश दिए गए। मौके पर जाके उन्होंने जाँच पड़ताल की, पूछताछ की। सघन पूछताछ में ये पता चला कि इनके साथ किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है। इन लोगों ने फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम करने के चक्कर में खुद को एक विक्टिम बनाते हुए 4 करोड़ रुपए का फर्जी क्लेम करने के लिए ये साजिश रची थी। इनके कंपनी के जो ब्राइट लॉजिस्टिक सर्विस कोरियर कंपनी है, इनके मालिक जो है राजन कुमार हैं, उनके कहने पर जो श्रवण तिवारी है उन्होंने इस मुहिम को या इस स्कीम को उन्होंने रचा था और उस स्कीम का थाना कोतवाली द्वारा पर्दाफाश किया गया है और इनके पास से जो भी सामान था वो अच्छे से उसको पूर्णतया बरामद किया। उनके पास से 1.5 लाख रुपए अभियुक्त के बैग से मिले हैं और उसके साथ साथ जितने भी स्वर्णकारों के 6-7 जो जो सामान थे वो सारे पैकेट जो हैं वो उनको वापस मिल गए हैं और श्रवण कुमार को थाना कोतवाली पर 182 IPC का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ इसका जो मालिक राजन कुमार है वो भी अभियुक्त इस मुकदमे में बनाया गया। इनका मोटिव बड़ा सिंपल था कि 4 करोड़ रुपए की चोरी दिखाने के बाद में इनको जिस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता तो कम से कम इनको 4 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा आमदनी हो जाता
उसी के चक्कर में ये पुलिस को इस पशु पेच में डाले थे, लेकिन कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए इस घटना का अच्छे से पर्दाफाश किया। सीसीटीवी के माध्यम से ये पता चला कि एक्चुअली उनके घर पे ना कोई व्यक्ति आया है, ना ही इस तरह का कोई ताला तोड़ा गया है। ये घटना उन्होंने स्वयं रची है, तो सीसीटीवी का वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण रोल इसमें नजर आया। थैंक यू।